एक आठ साल का बच्चा मस्जिद के एक तरफ कोने में अपनी छोटी बहन के साथ बैठा हुआ हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या मांग रहा था कपड़ों में पैवंद लगा था मगर निहायत साफ थे उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे और वो बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था जैसे ही वो उठा एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा बेटा अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो उसने कहा मेरे अब्बू मर गए हैं उनके लिए जन्नत मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती है उसके लिए सब्र मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है इसके लिए रकम अजनबी ने सवाल किया क्या आप स्कूल जाते हो बच्चे ने कहा हाँ जाता हूँ अजनबी ने पूछा बेटा किस क्लास में पढ़ते हो नहीं अंकल पढ़ने नहीं जाता माँ चन्ने बना देती है वो स्कूल के बच्चों को फरोख्त करता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझसे चन्ने खरीदते हैं हमारा यही काम धंधा है बच्चे का एक एक लफ्स मेरी रूह में उतर रहा था तुम्हारा कोई रिश्तेदार बेटा अजनबी ने पूछा अजनबी ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा अंकल अम्मी कहती हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती अंकल लेकिन अंकल जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ अम्मी आप भी खाना खाओ ना तो वो कहती हैं कि मैंने खा लिया है उस वक्त लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं अजनबी कहने लगा बेटा अगर आपको आपके घर का खर्चा मिल जाए तो आप पढ़ोगे बच्चे ने कहा नहीं अंकल बिल्कुल नहीं क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा पास से गुजर जाते हैं अजनबी हैरान भी था और परेशान भी फिर उसने कहा हर रोज इसी मस्जिद में आता हूँ कभी किसी ने नहीं पूछा यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता बच्चा जोर जोर से रोने लगा अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं मेरे पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं था ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से जख्मी हैं बस एक कोशिश कीजिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़रूरतमंद यतिमों और बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए मदरसों और मस्जिदों में सीमेंट या अनाज की बोरी देने से पहले अपने आस पास किसी गरीब को देख लें शायद उसको आटे की बोरी ज़्यादा ज़रूरत में हो आप किसी को तस्वीरें भेजते हैं और फनी आइकॉन भेजते हैं उनकी जगह अगर आप हमारी ये वीडियो एक दो ग्रुप्स में शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी खुद में और माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश आप भी जारी रखें हमारा भी इस कोशिश में जरूर साथ दें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस अजीम मिशन में अपना हिस्सा डालें जजाकल्ला खैरा आने वाली वीडियो तक आपका मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है अल्लाह हाफिज